हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति पैदल ही दुनिया का चक्कर लगाना चाहे तो उसे प्रतिदिन कितना पैदल चलना होगा और कितने दिन तक चलना होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत में रहते हैं और आप भी भारत से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर पैदल ही लगाना असंभव है। इसका कारण है महाद्वीपों का महासागरों के कारण एक दूसरे से अलग होना। कुछ स्थानों पर जल अथवा वायु मार्ग से यात्रा करना आवश्यक है। इसके लिए कुछ लोग चलते हैं तो कुछ लोग दौड़ लगाते हैं। दुनिया का चक्कर लगाने के लिए एक संस्था विश्व धावक संगठन यानी वर्ल्ड रनर्स एसोसिएशन ने विश्व का चक्कर यदि किसी ने कम से कम 4 महाद्वीपों पर चलकर अथवा दौड़कर लगाया हो। कुछ व्यक्ति यह कारनामा कर चुके हैं और इनमें न्यूनतम दूरी तय करने वाले ने 23,250 किलोमीटर की पदयात्रा की है। पैदल चलने वाले व्यक्ति अपने साथ कुछ सामान तो लेकर चलते ही हैं। एक घंटे में लगभग 4 किलोमीटर तथा दिन में औसतन 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इस गति से चलने में न्यूनतम 450 से 475 दिन तो लग ही जाएंगे। 1897 से 1094 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्ज मैथ्यू शिलिंग दुनिया का पैदल चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। यह कितना चले इसका विवरण उपलब्ध नहीं है, किंतु गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें पहले ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। उनकी इस यात्रा में उनका कुत्ता किंग साथ था, जिसकी एक दुर्घटना में बॉम्बे में मृत्यु हो गई। शोधार्थी बेलारूस के रेंगाटन को वह पहला व्यक्ति मानते हैं जिसने यह पदयात्रा पूरी की। उन्होंने यह यात्रा 15 अगस्त 1894 को लातविया के रीगा नगर से आरंभ कर वह 27 सितंबर 1898 को दोबारा वहीं लौटे, किंतु इस यात्रा में उन्होंने 3 ही महाद्वीपों का भ्रमण किया। फियोना कैंपबेल ने लगभग 11 वर्ष में 32,000 किलोमीटर की दूरी तय कर विश्व की पहली पदयात्री महिला बनी। यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है तथा 18 वर्ष की आयु में यह यात्रा आरंभ कर वह इसे पूरा करने वाली सबसे कम आयु की मानव है। किंतु उनके नाम यह रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें अमेरिका में कुछ मील की यात्रा किसी अन्य माध्यम से तय करने का दोषी पाया गया है। 20 जून 1970 से अक्टूबर 1974 तक विश्व की पदयात्रा करने वाले पहले व्यक्ति डेविड कुंस्ट पहले व्यक्ति हैं जिनकी इस यात्रा की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई है। इन्होंने कुल मिलाकर 23,250 किलोमीटर की यात्रा की। वही ब्लेसेट 25 दिसंबर 1969 से चलना आरंभ कर अब तक लगभग 65,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। यह 321 देशों की यात्रा कर चुके हैं। जीन बिलिवो ने 18 अगस्त 2000 से 15 अक्टूबर 2011 तक 64 देशों की 75,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की है। भारत के विष्णुदास चापके 16 मार्च 2016 से 21 मार्च 2019 के बीच मुंबई से मुंबई तक की यात्रा दुनिया का चक्कर लगाकर की है। यह सबसे कम समय में तय करने वाले व्यक्ति हैं। डेनमार्क के येस्पर केन ओल्सन, जो 1 जनवरी 2004 से 23 अक्टूबर 2005 में 26,232 किलोमीटर की दूरी तय कर 662 दिन में यह कारनामा कर पाए, वे यह करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति भी हैं और यह 2 बार करने वाले अकेले व्यक्ति भी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्रुव से ध्रुव तक की पदयात्रा का कमाल भी किया है। ध्यान रहे, आयाक्स के लिए फुटबॉल खेलने वाले डेनिश टच खिलाड़ी येस्पर ओल्सन एक भिन्न व्यक्ति हैं।